विपक्षी गठबंधन INDIA की रांची रैली में एक बार फिर यही अधिक सुनने को मिला कि लोकतंत्र के साथ संविधान खतरे में है। कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दल पिछले एक अरसे से यही बात करने में लगे हुए हैं। आम चुनावों की घोषणा होने के उपरांत इन दलों ने इसे अपना एक मुख्य मुद्दा सा बना लिया है कि यदि नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी हुई तो इस बार के आम चुनाव आखिरी लोकसभा चुनाव साबित होंगे और संविधान का बचना भी मुश्किल है। क्या यह विडंबना नहीं कि लोकतंत्र और संविधान के खतरे में होने पर सबसे ज़्यादा जोर वह कांग्रेस दे रही है जिसने देश पर ना केवल आपातकाल थोपा बल्कि मैं मनमाने परिवर्तन किए। भले ही आपातकाल का दौर गुजरे, कई दशक बीत गए हों, लेकिन देश अभी उसे भूला नहीं है। यह विचित्र है कि जिन दलों ने इंदिरा गांधी की ओर से थोपे गए आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनमें से कुछ अब लोकतंत्र और संविधान पर खतरे के जुमले को दोहराने में लगे हैं। यह स्थिति यही रेखांकित करती है कि INDIA के पास उन मुद्दों का अभाव है जिन्हें आगे कर वह जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके। निस्संदेह ऐसा नहीं है कि ऐसे मुद्दे नहीं हैं और मोदी सरकार ने सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि INDIA के घटक दल अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से भी कोई प्रभावी वैकल्पिक एजेंडा जनता के सामने नहीं रख सके। उनके एजेंडे में कई ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या कांग्रेस अथवा उसके
सहयोगी दल यह बता सकते हैं। स्टॉप।